महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के शव को मुंबई के मरीन लाइंस कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। कब्रिस्तान में सिद्दीकी के परिवार के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल समेत कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले उनके घर के बाहर जनाजे की नमाज अदा की गई। शनिवार की रात सिद्दीकी पर गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में शुभुल सोनकर नाम के व्यक्ति ने लिखा कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस और अनमोल को हैशटैग किया गया है। लॉरेंस का नाम सामने आने के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक 3 आरोपी धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह, प्रवीण सोनकर की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 अन्य आरोपी जासीन अख्तर, शिवा प्रसाद गौतम, शिबू सोनकर फरार है। मुंबई कोर्ट ने आरोपी गुरमेल को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दूसरे आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है, जिसकी जांच की जा रही है। दरअसल शनिवार रात बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी। वे फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हुए थे।